कॉमनली यूज्ड प्रिपरेशन ये जो ड्रग्स होते हैं, कॉमनली यूज्ड प्रिपरेशंस, जैसे कि प्रिपरेशन में कौन कौन से, जैसे कि कंपाउंड रुबार पाउडर। कंपाउंड रुबार पाउडर को जो है हम क्या कहते हैं, कंपाउंड रुबार पाउडर को हम ग्रिगोरी पाउडर भी बोलते हैं। ग्रिगोरी पाउडर जो है कैथार्टिक्स में यूज होता है, कैथार्टिक्स पाउडर में यूज होता है, ठीक है। इसके बाद फेरस फॉस्फेट सिरप्स कंपाउंड, ये जो है फेरस फॉस्फेट कंपाउंड्स लाइक ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये जो है पेरिस फूड्स में भी यूज होता है। पेरिस फूड्स इसका सिनोनिम होता है और इसका यूज होता है हेमेंथिक होता है, हेमेंथिक में यूज होता है। बर्न शुगर, बर्न शुगर जो है सेरेमल्स होता है जिसका कलरिंग एजेंट्स में यूज होता है, ठीक। क्या यूज होता है, कलरिंग एजेंट्स में यूज होता है। कंपाउंड आयोडीन पेंट्स जिसका मेंडल्स पेंट्स को कहते हैं, जिसको कि एंटीसेप्टिक्स में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक्स। इसके बाद एल्युमिनियम एसीटेट सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग। एल्युमिनियम एसीटेट सॉल्यूशन को हम किस सॉल्यूशन, इसका सिनोम्स कैसे होता है, इसका सिनोम्स होता है ब्यूरोस सॉल्यूशंस, जिसका कि एस्ट्रिंजेंट यूज होता है, एस्ट्रिंजेंट यूज होता है। एस्ट्रिंजेंट पता है क्या एस्ट्रिंजेंट होता है, जैसे कि तीखापन लगना है, मतलब। इसके बाद होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है जिसका कि यूज होता है लाइम वाटर्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है उसका क्या यूज करते हैं, लाइम वाटर इज एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट इज आवर इंग्रेडिएंट इन डर्माटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इंग्रेडिएंट्स इन डर्माटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स एंड डर्माटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इसके बाद क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशंस। क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन जो है उसका यूज होता है डार्किन सॉल्यूशंस, क्लीनिंग एंड डियोराइजिंग इन्फेक्टेंट। मतलब क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन का जो है इसका यूज होता है डार्किन्स सॉल्यूशन, जिसका कि क्लीनिंग और डियोराइजिंग इन्फेक्टेड वाउंड्स, मतलब इन वाउंड को साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके बाद क्लोरोजाइलेनॉल सॉल्यूशन जो है इसका यूज होता है रॉक्सेनॉल, रॉक्सेनॉल जिसका कि एंटीसेप्टिक सिनोम्स होता है, ठीक है। क्लोरोजाइलेनॉल सॉल्यूशन जो है रॉक्सेनॉल होता है, इसका एंटीसेप्टिक्स यूज होता है, ठीक। इसके बाद होता है क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक्स एसिड सॉल्यूशन। क्लोरिनेटेड लाइम एसिड एंड बोरिक सॉल्यूशंस जिसका कि यूज होता है यूसॉल जिसका कि एडिनबर्ग्स यूनिवर्सिटी सॉल्यूशंस भी कहते हैं। इसका क्लीनिंग एंड ड्यूटराइजिंग इन्फेक्शन में यूज होता है, ठीक। इसके बाद होता है अल्कोहल 90%, उसका क्या यूज होता है, इसका यूज होता है रेक्टिफाइड स्प्रिट। स्प्रिट जो होता है इसका यूज होता है, इसका रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं, जिसका कि यूज सॉल्वेंट में होता है, ठीक है। इसके बाद क्लोराइडल हाइड्रेटेड उनामल के रूप में होता है सिनोम्स, उसका यूज होता है सस्पेंडिंग एजेंट यूज होता है किसका, क्लोराइडल हाइड्रेटेड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद होता है हाइड्रस वुलफैट। हाइड्रस वुलफैट्स क्या होते हैं, हाइड्रस वुलफैट्स का यूज होता है लेनोलिन के लिए, ठीक। इसका यूज होता है लेनोलिन, इसका सिनोम्स होता है और इसका यूज होता है ऑइंटमेंट बेस। ये जो है इसका यूज किस में होता है, ऑइंटमेंट के बेस में यूज होता है, मतलब ऑइंटमेंट के बेस के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसके बाद क्लोराइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसका होता है एरोसोल। एरोसोल एक पैकिंग होता है जिसका कि एडजॉर्बेंट सस्पेंडिंग एजेंट एंड डाइल्यूएंट्स में यूज होता है, क्लोराइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज ये जो है इसका एविसल सिनोम्स होता है और डाइल्यूएंट्स का काम करता है। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज जिसका कि डाइल्यूएंट्स का यूज होता है, ठीक। इसके बाद हो गया मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड प्लस हनी जिसका कि ऑक्सीमेल होता है, ऑक्सीमेल सिनोम्स होता है, ये भी सेम पर्पस होता है। इसके बाद होता है सॉर्बिटन इस्टर जो कि स्पेंस होता है, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है। पॉलीमर्स ऑफ इथिलीन डाइऑक्साइड माइक्रो माइक्रोगोल माइक्रोगोल जो है नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट होता है,
ये इसका सिनोम्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद पॉलीसॉर्बेट पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स डेरिवेटिव्स ऑफ सॉर्बिटेंट इस्टर्स ट्विन्स, इसका जो है नन आयोनिक सर्फेक्टेंट होता है। इसके बाद पॉलीसॉर्बेट एंड सीटोएस्टीराइल एल्कोहल, पॉलीसॉर्बेट एंड सीटोएस्टीराइल एल्कोहल, ये जो है इसका है नन आयोनिक सर्फेक्टेंट, नन आयोनिक सर्फेक्टेंट। और कंपाउंड, इसके बाद होता है कंपाउंड इफरवेसेंट पाउडर, 21 नंबर में है कंपाउंड इफरवेसेंट पाउडर, जिसका कि सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट टर्ट्रेट, जिसमें कि सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट टर्ट्रेट, बाइकार्बोनेट एंड टर्ट्रिक पाउडर, जिसको कि सेटलाइट पाउडर के नाम से भी बोलते हैं, सेटलाइट, जिसका कि इमेटिक यानी वोमिट के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है कंपाउंड जिंक सेलिसाइलिक एसिड पेस्ट, कंपाउंड जिंक एंड सेलिसाइलिक एसिड पेस्ट का जो है लेजार्ड पेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड एसिड, कंपाउंड जिंक सेलिसाइलिक को एसिड को हम लेजर पेस्ट भी बोलते हैं, लेजार पेस्ट, ठीक है। जिसका कि यूज्ड होता है एक्जिमा, सोराइसिस, एस्ट्रिंजेंट एंटीसेप्टिक। सोराइसिस होता है रूखापन हो जाना, स्किनों में वाइट वाइट सा हो जाना, जिसको हम सोराइसिस भी बोलते हैं। इसके बाद होता है कंपाउंड एलुमिनियम पेस्ट, कंपाउंड एलुमिनियम पेस्ट होता है जिसमें कि एलुमिनियम पाउडर लिक्विड पैराफिन होता है, जिसे कि बेल्टीमोर्स पेस्ट भी बोलते हैं, यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम डिस्चार्ज, ओके। इसके बाद होता है मैग्नीशियम सल्फेट पेस्ट, जिसे कि मोरिसन पेस्ट भी बोलते हैं, मोरिसन्स पेस्ट, इसका सिनोम्स होता है मोरिसन्स पेस्ट, सिनोम्स क्या होता है मोरिसन्स पेस्ट, जिसका कि यूज टू ट्रीट या बॉयल, इसका करने यूज़ करने में यूज किस में होता है, यूज टू ट्रीट या बॉयल करने में होता है, ठीक। ट्रकाकान जेली, ट्रकाकान जेली जो है ये अल्कोहल ग्लिसरीन वाटर, ये जो है इसमें यूज होता है अल्कोहल ग्लिसरीन वाटर, वाटर जो ट्रकाकान जेली के अंदर होता है, मतलब ट्रकाकान जेली में जो है क्या क्या सब आता है, अल्कोहल ग्लिसरीन वाटर, जिसे हम बेसोरीन पेस्ट भी बोलते हैं, जिसका जेली एजेंट होता है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली, मैं आपको ये डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, जो आपको याद रहेगा, ठीक। थैंक यू।